करते हैं अब कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन पर ट्रेडबुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल मौजूद हैं। भावी जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्शन वहाँ पर देखने को मिला यूक्रेनियन के रशियन रिफाइनरी के हमले के बाद। अब ये जो बड़ी टेंशन डेवलप हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कितना और गहरा सकता है ये संकट, और क्या हम कच्चे तेल में आगे और तेजी की उम्मीद करें? ये हमारे साथ भाविक पटेल जी मौजूद हैं। जी भाविक, बताइए। यस, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स, देखिए अभी थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, थोड़े अपटेक्स ज्यादा हुए हैं, जहाँ पे आपने बताया कि यूक्रेन ने रशिया के रिफाइनरीज पे हमला किया, रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया न्यूक्लियर वॉर का। तो आई थिंक उसकी वजह से हमने थोड़ा एक्शन देखने को मिला कच्चे तेल में, और टेक्निकली भी देखे तो 6500 का एक हर्डल था, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। कल हमने उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, तो हमें लग रहा है कि ये कच्चा तेल एटलीस्ट 6700 से 6800 तक दिख सकता है। आज के दिन भी अगर कोई भी डिप मिलता है अराउंड 6530 के करीब, तो बाई कर सकते हैं 6620 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6475 का। ठीक है, 6475 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट होगा 6620 का। तो कोई भी डिप मिले, तेज़ी करने की सलाह कच्चे तेल में। सोने चांदी पर अभी आपसे राय लेंगे। वहाँ पर भी कल हमने एक रिकवरी देखी। अब जून में ब्याज दरों में कटौती के बाद वापस से होने लग गई है, तो क्या जून तक सोने चांदी की चाल ऐसे ही बरकरार रहेगी? पॉजिटिव ट्रेंड ऐसे ही जारी रहेगा इसमें? यस, कल हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड ग्रीन टिक हुए थे दोनों सोने और चांदी में, और इनफैक्ट यूएस के महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद से हमने देखा कि कल काफी रिकवर हो गए थे, और एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि जून में रेट कट फेड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब तक से जून तक में कोई भी करेक्शन आता है तो बाई करना चाहिए, दोनों बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो कोई भी डिप मिलता है 6500 के करीब तो बाई कर सकते हैं 6500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 66,000 का। और चांदी अभी अगर देखें तो काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, शायद यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकती है, तो चांदी में भी बाय कर सकते हैं 75,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 74,400 का। ओके, तो गोल्ड में तेजी करके चलिए 66,000 के टारगेट के लिए। सिल्वर में भी अच्छा लग रहा है, कल 2% के लगभग 2% की तेजी यहाँ पर भी थी, और आगे भी तेजी जारी रह सकती है 75,400 के टारगेट्स के लिए। आप इस पर नजर रखिए। आखिर में भाविक, आपसे बेस मेटल्स पर भी राय लेंगे। वहां पर कहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? बेस मेटल्स में कल काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव ऊपर में दिया था, और 740 का जो हर्डल था आई थिंक वो इजीली उसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट मीडियम टर्म टारगेट 5560 लग रहा है, तो आज के दिन भी अगर कोई डिप मिलता है अराउंड 747 तो बाय कर सकते हैं 744 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो कॉपर में तेजी करने की सलाह है 752 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 744 का। भावी जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए तमाम कमोडिटीज पे।